नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बोला था कि जो आई टी बी ट्रेडमैन के रिगार्डिंग है जो पेपर का नोटिफिकेशन आया हुआ कि ऑनलाइन होगा उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों मैंने इसके बारे में सारी जानकारी भी अपडेट निकालनी है कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा और साथ में इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा जो आई एनिमल ट्रांसपोर्ट की है उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद तो हो गई थी अब ज्वाइनिंग कब आएगी मतलब ज्वाइनिंग लेटर कब से इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे और एक इसके बारे में वीडियो बनाएंगे तो उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों अब चलते हैं हम जो आई की ऑफिशियल वेबसाइट पर है दोबारा उस पर दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं आप एज यूजल देख सकते हैं वही तीन नोटिस वही रनिंग है जिसमें अभी तक कोई ऐसा भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा और आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं या नहीं आ गए हैं ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो दोस्तों जो हरी भूमि के न्यूज़पेपर के नाम ने जो न्यूज़ पब्लिश की हुई थी उसके न्यूज़पेपर में कि आपका जो आई टी बी ट्रेडमैन का जो वो है एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा तो दोस्तों वो न्यूज़ फेक है आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा वैसे मैंने दो तीन न्यूज़पेपर में और चेक किया जिस तरह दैनिक भास्कर है पंजाब केसरी है द ट्रिब्यून है द हिंदू है हर न्यूज़पेपर में चेक किया उनमें इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला लेकिन सिर्फ जब मैंने ऑनलाइन चेक किया क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो हरी भूमि का हरियाणा में तो मतलब नहीं आता इतना मतलब ज़्यादा क्रेज़ नहीं है वैसे तो आता है थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं आता होगा तो दोस्तों मैंने ऑनलाइन चेक किया ई न्यूज़पेपर में तो दोस्तों मैंने उसका नोटिफिकेशन में जो उसकी कटिंग होती है मैंने उसमें देखा उसको बाकायदा मेरे को वो नोटिफिकेशन मिला लेकिन मैंने और जो भी न्यूज़पेपर देखे तो उसमें वो नोटिफिकेशन नहीं मिला अब ऐसा तो है नहीं कि आई टी वालों ने सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर को बोल दिया हरी मोहम्मे के लो आप ये पब्लिश कर दो ऐसा तो नहीं हो सकता ना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आती है चीज़ तो लेकिन उसमें भी नहीं है कहीं मैंने वो भी चेक कर लिया और ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी चेक कर लिए हर किसी में मेरे को इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला कि आपका एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होगा दोस्तों आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा और जल्दी ही जो एडमिट कार्ड है वो इश्यू होगा क्योंकि मार्च में एग्जाम होना आपका हंड्रेड वन परसेंट तय है क्योंकि अगस्त में इनको ज्वाइनिंग ही करवानी है तो फिर आप खुद ही एस्टिमेट लगा लो कि आपका कितनी जल्दी एग्जाम होगा और कितनी जल्दी फर्स्ट प्रोसेस चलेगी वैसे भी चार साल तो इन्होंने इस तरह ही निकाल दिए एक साल कोरोना ने खराब कर दिया और बाकी तीन साल इन्होंने खराब कर दिए बाकी और भर्ती के लिए किसी की उम्र भी नहीं छोड़ी है कि आप वेट कर जाएं क्योंकि यही तेईस से पच्चीस साल मतलब अठारह से किसी में तेईस थी किसी में पच्चीस साल की तक की एज थी वो बच्चों की अब एज भी निकल गई है और ना ही कोई और न्यू वैकेंसी आई है आई टी की तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा ये तय है जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका एग्ज़ाम होगा मैंने आईटीबीपी में भी बात की उन्होंने भी यही बात बोली कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा इस तरह का हमने कोई नोटिस पब्लिश नहीं करवाया है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा मैंने हरी भूमि के भी न्यूज़पेपर पे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी दोस्तों लेकिन उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई और कॉल उठाई तो सिर्फ उन्होंने एक चीज़ बोली अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हमें नहीं पता उनने सिर्फ ये चीज़ बोल के मेरा फ़ोन कट कर दिया था और दोस्तों कल की भी बात मैं बता देता हूँ मैंने एक दो न्यूज़पेपर में भी कोई जान पहचान है मैंने उनसे भी कंफर्म करवाया कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन कल आ सकता है क्या तो दोस्तों इस तरह का कोई नोटिफिकेशन कल के भी न्यूज़ में आपको नहीं मिलेगा आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख लेना तो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा अपनी तैयारी करते रहे और मार्च के महीने में, में होगा ये बात तो आप लिख के ले लो हाँ मैं पहले बोल रहा था सात तारीख को होगा मेरे क्योंकि कुछ दोस्तों ने जो आई टी बी पी उन्होंने बोला था उन्होंने पहले दस जनवरी का ही बोला था तो दस जनवरी को एग्ज़ाम हुआ उन्होंने मेरे को जो जो बताया वो उसी टाइम पर एग्ज़ाम हुआ लेकिन आई टी पी का जो ट्रेडमैन का यार इसका कोई भरोसा नहीं कर सकता कि कब होगा एग्ज़ाम की डेट भी दे देते हैं फिर उसको पोस्टपोन कर देते हैं इनका तो ऐसा चल रहा है तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी जो एनिमल ट्रांसपोर्ट की है दोस्तों एनिमल ट्रांसपोर्ट के जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो अप्रैल के मिड से स्टार्ट हो सकते हैं सॉरी एडमिट कार्ड बोल रहा हूँ मैं जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अप्रैल के मिड से स्टार्ट हो सकते हैं और आपकी मई के लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग का ही डेट दी जाएगी कि आपको ज्वाइन कर लेना मतलब जो भी आपकी बटालियन मिलेगी या जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा वहाँ पर जाके आपको रिपोर्ट करना है साथ में मेडिकल इशू और कोरोना वायरस का टेस्ट भी आपको साथ में लेके जाना है ये आपके प्रोग्रामिंग रहेगी और दोस्तों साथ में मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जो आई के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो थी मतलब आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे अगर आपको किसी को भी वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सोल्यूशन जरूर जो भी आपकी समस्या होगा उसका सोल्यूशन करूँगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और लाइक करना हाँ दोस्तों तो मैं साथ में एक बात और बताता हूँ कि बहुत से बच्चे कमेंट में एक ही बात पूछते हैं एडमिट कार्ड कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे भाई साहब अभी एडमिट कार्ड का नहीं पता आने का तो कल आ जाए मैं तो उम्मीद भी यही करता हूँ कि कल ही एडमिट कार्ड लॉन्च कर देंगे जल्दी जल्दी भर्ती हो चार साल खराब कर दिए यार और कितने ख़राब करेंगे ये एक तो ऊपर से बेरोजगारी इतनी है कहीं नौकरी नहीं मिल रही ऊपर से ये डेट पे डेट डेट पे डेट देखे जा रहे और हाँ दोस्तों एक और है कि बच्चे पूछते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देंगे ट्रेडमैन का तो दोस्तों लगभग पचास हजार कैंडिडेट हैं जो ट्रेडमैन का एग्जाम देंगे सबसे ज्यादा कैंडिडेट होंगे वो वाटर कैरियर के ट्रेड में होंगे वाटर कैरियर के जो बच्चे होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे और कट ऑफ की बात करें तो सबसे ज्यादा गार्डनर और वाटर कैरियर की ही कट ऑफ ज्यादा रहेगी कट ऑफ रहेगी आपकी जिस भी बच्चे के अगर ट्रेड टेस्ट में बीस से लेकर पच्चीस छब्बीस तक नंबर हैं उनको फोर्टी फाइव प्लस का तो नंबर लेने ही लेने पड़ेंगे फाइनलिस्ट के लिए और जिनके थर्टी प्लस है वो फोर्टी तक भी उनका हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दो अपनी रिटर्न की तैयारी करते रहें कभी भी हो एग्ज़ाम लेकिन आप अपनी अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट तैयार रहे के अगर एग्ज़ाम की डेट आज भी आती है कल भी आती है कभी भी आती है हम तैयार हैं भाई हम दे देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और उम्मीद करता हूँ मैं सभी का सिलेक्शन होगा सभी का तो नहीं होगा लेकिन जो मेहनत करेगा उनका जरूरी वो हो, जरूर होगा तो दोस्तों बार बार एक ही चीज़ बोल के कि आप फेक हो ये बोलते हो ठीक है भाई मैं फेक हूँ मैं झूठ बोलता हूँ ये बोलता हूँ लेकिन दोस्तों इस तरह की मैंने कोई झूठ ना तो बोली है और ना मैं बोलूँगा आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो वरना मत करो कोई ज़रूरत भी नहीं है भाई साहब मैं सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि मैं जो जानकारी मैं कहीं से प्राप्त कर सकूँ वो आप सभी को दे सकूँ मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ आपकी तरह मेरे को छूट बोल के क्या मिलेगा मेरे को ये बताओ अभी कोई पीछे गाली दे रहा था भाई गाली देनी है तो दे ले अगर तुम मेरी माँ बहन को गाली दे रहा है तो तेरे घर में भी तो माँ बहन है उनको भी दे सकती हो तुम जब मेरी को दे रही तो तुम्हारी क्या लगी फिर तुमको चलो दोस्तों वीडियो ज्यादा ही लंबी हो जाएगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना जय हिंद जय भारत